दो में और कक्षा 11 के सिलेबस में चैप्टर संख्या 4 की बात कर रहे थे। कल की क्लास में हमने बात कर ली थी कि प्रक्षेप गति क्या है, दो पार्ट हमने उसके शुरू कर लिए थे कि ट्रेजेक्टरी जो है उसका प्रक्षेप का पथ, उसकी इक्वेशन क्या है, कैसा होता है। और दूसरी बात तो हमने कर ली थी उसके अंदर अधिकतम ऊंचाई के लिए समीकरण हमने क्या थे कर लिया। दो बातें रह गई कि उसका उड्डयन काल फ्लाइट टाइम कितने समय तक पार्टिकल हवा में रहता है वो ज्ञात करना है। एक हमें निकालना है उसका स्ट्रेट पाथ, सीधा पाथ, परास कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, तो सीधी जो डिस्टेंस अगर उसकी मेजर करें तो वो हमें बतानी है। दो बातें हमने कल सॉल्व कर ली थी। प्रक्षेप गति होती क्या, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास को। क्या होती है प्रक्षेप गति, कि किसी भी कण को फेंकने के बाद में वह जिस प्रकार गति करता है वो प्रक्षेपित गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल उस पार्टिकल को ही कहते हैं। तो उसमें पथ का समीकरण हमने निकाला था, उसमें किस प्रकार की गति होती है, किसी कोण पर जब हम फेंकते हैं तो उसमें दो गति होती है, कण क्या होता है आगे बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, इस तरह से जाता है, कण आगे भी बढ़ता है और ऊपर भी जाता है, इसलिए इसमें दो गतियां होती है, क्षैतिज गति भी होती है और ऊर्ध्वाधर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी आगे की तरफ भी जा रहा है और ऊंचाई की तरफ भी जा रहा है। एक मैक्सिमम ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में फिर वो आगे भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है, और फिर बाद में वो धीरे धीरे आगे जाके नीचे जाके गिर जाता है। तो इस कैलकुलेशन को हम कर रहे हैं, इस जो कंडीशन है इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसमें हमने दो कंडीशन ले ली थी। डायग्राम जो हमने कल बनाया था उसके बाद दोबारा बना लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। किसी को कंफ्यूजन हो तो दोबारा फिर आप देख सकते हैं, इसको समझ में अच्छी तरह से क्या था ये क्या है। एक्स एक्सिस ले ली थी हमने, वाई एक्सिस ली थी यहाँ कि पार्टिकल किसी थीटा कोण पे फेंका गया है तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, फिर वापिस क्या होगा नीचे आना प्रारंभ होगा और नीचे गिर जाएगा। ये जो इसकी ऊंचाई है वो इसकी अधिकतम ऊंचाई कहलाती है, ये एक्स मैक्सिमम है, इसकी हाइट, इसका मान हमने निकाल लिया। अधिकतम ऊंचाई पर क्या होता है, यहाँ पर वी का जो मान होता है वो जीरो हो जाता है, पार्टिकल एक क्षण के लिए विराम स्थिति में आता है, वापस नीचे आना शुरू होता है। जब ये थीटा कोण पर रहते हैं सिर्फ दो घटक है, कण आगे की तरफ जा रहा है वो क्षैतिज घटक है, उसको प्रारंभिक वेग u से फेंका गया है तो u cos थीटा लिखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट है उसको u sin थीटा लिखते हैं। यहाँ पर भी लेंगे तो भी आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, यहाँ पर भी लेंगे अपने तो आगे भी जा रहा है और अब नीचे आना शुरू हो गया, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा u sin थीटा नीचे की तरफ हो जाएगा और u cos थीटा आगे की तरफ। इसी तरह यहाँ पर u cos थीटा और नीचे की तरफ क्या हो गया u sin थीटा। ये जो है इसकी मैक्सिमम हाइट है ये, और यहां से आप तक देखें ये इसकी रेंज है, इसका मान हम निकालेंगे अगले पार्ट में, ये बात करने वाले आज परास कहते हैं इसको, आर से लिखते हैं, आर फॉर रेंज, ये सीधी दूरी है। तो इसके हर तरह दो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेट कंपोनेंट है वो यू कोस थीटा है, एक्स एक्स के अनुसार, वाई एक्स के अनुसार, जो हाइट के अनुसार है वो है यू साइन थीटा। पथ की समीकरण की बात आपने कर ली थी, उसके लिए आप कल की क्लास देख लें, और नहीं अगर देखिए डायरेक्ट यहाँ इस क्लास में पहुंचे तो पहले पीछे वाली क्लास देख लें। और एक हमने अधिकतम ऊंचाई की भी बात कर ली, दो बातें मैंने कल बताई थी जो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए, पूरी बातों को समझने के लिए, कैलकुलेशन को करने के लिए, कि दोनों गतियां एक साथ हो रही हैं लेकिन सॉल्व एक साथ नहीं हो सकते। जब आप क्षैतिज की बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्षैतिज गति की बात करेंगे, हम यही मान के चलेंगे कि कण स्ट्रेट आगे बढ़ रहे हैं, उस समय हम ऊंचाई की बात नहीं करेंगे। जब हम हाइट की बात कर रहे हैं कण ऊपर जा रहा है तो उस समय हम स्ट्रेट की बात नहीं करेंगे, केवल ऊपर की बात करेंगे कि कण किधर जा रहा है ऊपर की ओर। पथ के समीकरण में हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, बाद में एक ही वैल्यू दूसरे में रख सकते हैं, वैसे यूज कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करते समय दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, बीच में हाइट भी रखते हैं और बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस सब होके रखते हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब कण आगे की तरफ जा रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, निश्चित वेग से जा रहा है, निश्चित वेग है तो उसका त्वरण का मान जीरो होगा। तो जब क्षैतिज गति होती है तो उसमें ए का मान जीरो होता है, वेलोसिटी जो है u = u cos थीटा होती है, और
दूरी जो है वो एस को मैक्स ले लेते हैं। जब पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करता है उस स्थिति में क्या होता है, डिस्टेंस तो एस बराबर वाई होती है, वाई अक्ष की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी की तरफ काम कर रही है नीचे की तरफ, इसलिए ए इज इक्वल टू माइनस जी होता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और जैसे जैसे कण ऊपर जाता है उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है, इसीलिए ए जो है वो माइनस जी होता है। और अंत में एक बिंदु ऐसा आता है जहां उसकी ऊंचाई अधिकतम हो जाती है, वहां पर उसका वेग जीरो हो जाता है। ये बातें हमें इसके लिए पता होनी चाहिए सारी, फिर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। हम इसमें नेक्स्ट बात सोल्व करते हैं, और नेक्स्ट बात क्या सोल्व करनी है हमें, उड्डयन काल। नाम ही दिख रहा है इसका, उड्डयन काल उड़ता रहे इतने समय तक, काल मतलब समय, तो पार्टिकल जितने समय तक उड़ता रहे उड्डयन काल होता है, मतलब कि पार्टिकल को फेंकने के बाद में जब वो गिरता है उससे पहले तक जितनी देर तक वो हवा में रहता है, कण को फेंके जाने के पश्चात सिस्टमेटिक लिखे हैं साइंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो कण को फेंके जाने के पश्चात जब वह गिरता है उससे पहले जितने समय तक वह हवा में रहता है उतना समय उड्डयन काल कहलाता है, फ्लाइट टाइम कहलाता है, फ्लाइट में रहता है, उड़ता रहता है, फ्लाइट टाइम। अब ये कैसे निकालें, अब देखो अधिकतम ऊंचाई का अगर समय निकाल लें तो इतना ही समय उसको आगे निकलने लगेगा, किससे मल्टीप्लाई कर दें, दो से। क्वेश्चन में ध्यान रखें कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं अधिकतम ऊंचाई का समय क्या होगा, तो अधिकतम ऊंचाई का समय फ्लाइट टाइम नहीं है, वो फ्लाइट टाइम का आधा भाग है। अधिकतम ऊंचाई में तो कण यही तो पहुंचेगा, उसके बाद तो आगे नहीं जाएगा, तो टू टाइम्स हो जाएगा टोटल फ्लाइट टाइम जो होगा। लेकिन अगर अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो उसके लिए जो समय लगेगा वो आधा होगा, उसको डबल कर देंगे तो कुल उड्डयन काल हो जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई में लगा समय पहले हम निकालेंगे इस बात को, अधिकतम ऊंचाई में लगा समय और उसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, अधिकतम ऊंचाई में लगा समय, उसके लिए क्या करेंगे यू की जगह तो क्या काम है, ऊंचाई की तरफ बात कर रहे हैं, देखो ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ यू तो क्या हो जाएगा, यू तो हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। वी क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई के लिए वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा जीरो, और क्या पता हमें एस का मान लिया तो वो एक्स हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या निकाल रहे हैं, हमें टी का मान निकालना, और ए का मान हमें पता है क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा माइनस बी। अब यू टी वी ए इनकी बात है तो बी बराबर यू प्लस ए टी होता है, क्योंकि पहली समीकरण काम आ जाएगी यहाँ तो गति की प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मान लेते हैं बी की जगह जीरो रखेंगे अधिकतम ऊंचाई के लिए, यू की जगह क्या रखेंगे यू साइन थीटा, ए की जगह रखोगे माइनस जी, और टी जी टी की जगह आओ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा एंड टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये किसके लिए आ गया, ये अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। अब उड्डयन काल की बात करें तो दो से मल्टीप्लाई होगा तो इसको, तो फ्लाइट टाइम अगर हमें ज्ञात करना है फ्लाइट टाइम, तो उसके लिए क्या होगा इज इक्वल टू टू इंटू टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो अगर आपको अधिकतम ऊंचाई का समय पूछा गया है तो यू साइन थीटा अपॉन जी है, ये ध्यान रखें यू साइन थीटा अपॉन जी। और अगर उड्डयन काल पूछा गया है टी इज इक्वल टू, तो सीधा कह सकते हैं टू इंटू टी है, तो टी का मान दो टू इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये क्या जाएगा इसकी वैल्यू। अब एक बात और है जिसके प्रकाश का, वो है परास रेंज। रेंज जैसा अभी डायग्राम में बताया था कि रेंज क्या है, कहां से लिखते हैं इसको, क्या है रेंज। कोई भी कण को जब फेंका गया और वो जहां जाके गिरा है वहां तक की जो सीधी दूरी है जिस बिंदु से कण को फेंका जाए और जहां गिरता है उन दोनों बिंदुओं के मध्य की
सीधी दूरी उस प्रक्षेपी की परास कहलाती है। फेंके जाने वाले बिंदु से गिरने वाले बिंदु के बीच की सीधी दूरी, सीधी दूरी ध्यान रखनी है, ये दूरी अलग है, ये सीधी दूरी, इसके तो बात का समीकरण में निकाल लिया, सीधी दूरी की बात कर रहे हैं, आर का मान हमें निकालना है। अब देखो दूरी निकालनी है तो सीधी दूरी पे कौन सी चाल काम में आएगी, जिस चाल से फेंका गया है, स्पीड आप जब धीरे फेंकेंगे तो थोड़ी दूर गिरेगा, तेज फेंकेंगे तो ज्यादा दूर गिरेगा, लेकिन उसका कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, उसका कंपोनेंट काम आएगा यू कॉस थीटा। अब सिंपल चाल दूरी के हमें सूत्र पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी निकालनी तो चाल बड़ा समय, उसी तरह चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर आ जाएगा चाल गुणा समय। लेकिन समय कौन सा काम में लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, समय कौन सा काम में लेना है कि यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा, यहां गिर रहा पार्टी जहां गिर रहा है वहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा, वहां तक पहुंचने में कौन सा समय लग रहा है, कौन सा समय लग रहा है, फ्लाइट टाइम तो ये टाइम यूज होगा, और चाल कौन सी यूज होगी, स्पीड वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कौन सा काम आएगा, दो टुकड़े साइन थीटा और कोस थीटा, अपने पास कौन सा काम आएगा, यू कोस थीटा काम में आएगा, वो हमें यहाँ पुट करना है। तो इसको तो दूरी को तो हम आर से लिख रहे हैं, चाल का मान कितना है, यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय, समय का मान कितना है, टी मान रख दो, आर इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, आर इज इक्वल टू यू इंटू यू तो क्या हो गया, यू स्केयर और टू साइन थीटा कोस थीटा, इसको मैं अलग लिख रहा हूं क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है जो आपको नहीं ध्यान रखना, ध्यान रखना है और ध्यान है तो अप्लाई करना है, ठीक है। भाई वालों को ये थोड़ी सी समस्या हो जाती है, जानते को मेटे आ जाती है, तो समस्या की कोई दिक्कत नहीं है, जो फॉर्मूले ज्यादा काम नहीं आते हैं, दो चार आते हैं, जो आते हैं वो ब्रैकेट में लिख लें और उनका ध्यान रखें कि ये फॉर्मूले, तो यहाँ टू साइन थीटा कोस थीटा जो होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा इसको लिख सकते हैं साइन टू थीटा, टू थीटा से इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, साइन टू एज इट इज भी रख सकते हैं, अपने कोई कंफ्यूजन हो जाए तो गलत नहीं लिखना, आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला है साइन टू थीटा कोस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन टू थीटा कोस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये क्या आ गया किसका फॉर्मूला है, क्षेत्रीय परास। अब बात करें क्षेत्रीय परास वो सीधी दूरी, कितनी ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाके कब गिरेगा, कर अगर सिंपल क्वेश्चन कहे सामान्य जीके का कहे कि किस कोण पे फेंके कि पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, तो हम हमेशा इस बात का बहुत बार यूज हो गई ग्यारहवीं में बारहवीं में बारहवीं तो बहुत ज्यादा कि जहां पर भी साइन कोस आ गए वहां आपको ध्यान रखना है कि जब अधिकतम की बात की गई है तो अधिकतम के लिए साइन और कोस के मान एक होते हैं। अब वो साइन का मान एक कब आता है, साइन नब्बे पर आता है, तो साइन नब्बे बढ़ाने के लिए क्या हो वहां, तो यहाँ टू तो पहले ही मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो थीटा का मान क्या रखेंगे, नब्बे रखने के लिए एक सौ अस्सी हो जाएगा, एक सौ अस्सी हो जाएगा ना, इसलिए थीटा मान क्या रखेंगे, पैंतालीस रखेंगे, पैंतालीस गुणा दो कितना हो गया नब्बे, और साइन नब्बे क्या हो गया एक हो गया, एक हो गया तब ये मान क्या हो गया मैक्सिमम, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। इसका मतलब किसी भी कण को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण पे फेंकना चाहिए, 45 डिग्री पर, इसीलिए जो बॉल 45 डिग्री पर हिट कर जाती है बैट को वो सीधी स्टेडियम में गिरती है बाहर निकलती है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ नहीं जाती, कम जाती है जाती जाती, लंबे शॉट लगते हैं उसके अंदर, और लंबे शॉट लगते हैं तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, जो ज्यादा ऊंचाई हो जाती है जिनमें एंगल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ऊपर की तरफ हो जाता है वो क्या होते हैं, वो कैच आउट हो जाते हैं, बाउंड्री से पहले गिर जाती है, कभी कभार तो वही पास के पहले घेरे में गिर जाती है बॉल, लेकिन ऊंचाई बहुत हो जाती है उसकी, तो ऊंचाई ज्यादा होगी तो दूरी कम हो जाएगी। अब देखो इनमें भी हम रिलेशन ले सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका जरूर आप ध्यान रखें, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस बात को, स्पेशल केस लिख लेते हैं, हमें ये स्पेशल केस लिख लें आप इसे,
यदि थीटा बराबर क्या हो 45 डिग्री तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 जिसका मान क्या होता है a। तो r मैक्सिमम क्या आएगा r मैक्सिमम आ गया u स्क्वायर अपॉन g। इस बात का आपको ध्यान रखना। दूसरी बात जैसा मैंने बताया वो बात और आप नोट कर लें कि कण को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। और दूसरी बात अधिकतम ऊंचाई पर फेंकने के लिए वो बात कर चुके हैं, उसमें साइन थीटा आता तो थीटा मान 90 रख दिया था हमने, कितने डिग्री पर फेंकना चाहिए 90 डिग्री पर, यानी सीधा ऊपर की ओर फेंकना चाहिए। तो अधिकतम ऊंचाई पर अब एक बात हो रहा है अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम दूरी में संबंध। डायरेक्ट एक क्वेश्चन तुम्हारे बुक में भी दे रखा होगा इसमें एनसीईआरटी में, आप अब एक्सरसाइज में देखोगे तो एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा होगा कि किसी कण को अधिकतम दूरी तक 100 सेंटीमीटर तक फेंका जा सकता है, उसी वेग से फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई कितनी फेंका जा सकता है। तो अब आपको ना तो वेग दे रखा कुछ और थीटा दे रखा कुछ नहीं दे रखा, तो फिर अपने ये फॉर्मूला यूज कैसे करें, तो उसके लिए क्या है ऊंचाई और दूरी में एक रिलेशन होता है। देखो ऊंचाई का फॉर्मूला भी ऐसे ही आया था हमारे पास, लेकिन उसमें था यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g और इसमें क्या आ रहा है यू स्क्वायर अपॉन जी, तो इसका मान उसमें रख सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको हम क्या करते हैं लिख लिया आपको साथ साथ, इसमें रिलेशन है आर मैक्सिमम एच मैक्सिमम में संबंध। क्या संबंध है देखो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला हमने निकाला था एच मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या था यू स्क्वायर अपॉन 2g और आर मैक्सिमम क्या है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आर मैक्सिमम का क्या देखो कहते हैं एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह तो क्या देंगे आर मैक्सिमम और बाद में 2 ऐसा कैसा। इसका मतलब क्या हुआ अधिकतम ऊंचाई जो होती है वो अधिकतम क्षेत्रीय दूरी की आधी होती है। अगर कहते हैं कोई व्यक्ति किसी वेग से किसी बॉल को ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर फेंक सकता है तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई पर फेंक सकता है, आदमी तो वही है वेग भी वही है उसकी जितना उसका जोर उतना लगा रहा वो इनिशियल वेग से भी सेम है दोनों के लिए, तो फिर वो कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो क्या होगा जितनी दूरी तक फेंक सकता है उसका आधा फेंक सकता है। तो आपको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं तो वहां डायरेक्ट आप इसको सोल्व कर सकते हो। फॉर्मूले के सारे इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम आगे चैप्टर भी लगभग पूरा हो गया है, हम आगे इसके न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर इस टॉपिक का ज्यादा यूज करने वाले न्यूमेरिकल क्लास में इस टॉपिक का ज्यादा यूज करेंगे। तो आप पहले थोड़े कुछ करके देखिए तो आपको समझ में ज्यादा आएगा ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में, इसलिए रिवाइज कर लें इसको पूरे टॉपिक को समझें, फॉर्मूलाज याद रखें काफी आगे 3-4-5 फॉर्मूले आगे तो इनको जरूर ध्यान रखें, कैसे अप्लाई करने वो भी आप देख लें, जो स्पेशल केसेस है उनका भी ध्यान रखिए कि फॉर मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g एंड आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ें रिवाइज करें। कोई भी किसी भी तरह की किसी को परेशानी रहती है दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, जो लाइव चैट चलता है उसके अंदर लिखने के बजाय आप कमेंट बॉक्स में बाद में कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि लाइव चैट तो उसी समय सामने रहता है बाद में ध्यान नहीं दिया जाता। आप कमेंट प्रॉब्लम खासकर प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो प्रॉब्लम क्लास जब होगी उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करा देंगे, तब तक आप इसको पढ़ें, बाकी बातें कल की क्लास में हम करेंगे। गुड नाइट।